नमस्ते, क्या मिसेस शेला यहीं रहती हैं? जी हाँ, और आप? मैं अविनाश, मुझे मिसेस शेला से मिलना है। वो तो मार्केट गई है। कब तक लौटेंगी? बस अभी आती होंगी। आप चाहे तो यहाँ बैठकर उनका इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, आइए बैठिए। आपके लिए चाय बनाओ। आपकी मम्मी को आ जाने दीजिए। वो मेरी मम्मी नहीं, भाभी है। एक ग्लास पानी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप बैठिए। आपकी भाभी जल्दी आ जाएंगी ना? जी हाँ, अभी आ जाएंगी। वैसे काफी देर हुई उनके गए हुए। आप कहाँ से हैं? मुंबई से। मधुपुर के बारे में मेरी मौसी ने बताया। आपकी भाभी पहचानती है मेरी मौसी को? मौसी ने ही आपके घर का पता दिया था। मौसी ने कहा, अविनाश मधुपुर जाओ बेटा, वहां की हसीन वादियों में तुम्हारा नर्वस एग्जॉशन भाग जाएगा और बहुत शांति मिलेगी तुम्हें। हाँ, यहाँ तो बहुत शांति मिलेगी आपको। मेरे डॉक्टर का भी यही कहना था। आप बीमार हैं? हाँ, इसीलिए आया। कुछ सीरियस? नर्वस एग्जॉशन, काम का स्ट्रेस। तुम नहीं समझोगी, यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत कॉम्पिटिटिव है। तो काम के स्ट्रेस? हाँ, घबराहट होने लगी थी, जी परेशान हो जाता था। डॉक्टर का कहना हुआ कि नर्वस एग्जॉशन है। यहां गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस में ठहरा हूं, वो जंगल के उस पार। दो हफ्तों से आया हुआ हूं, मगर सच बताऊं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यहां लोग वक्त कैसे गुजारते हैं। शिकार खेल के। शिकार? ये खिड़की खुली है तो? तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस बात का? वो पास में जंगल है, अगर जानवर अंदर घुसा है तो? इस घर की ये खिड़की हमेशा खुली रहती है। क्यों? आपको अगर वहां पे ठंड लग रही है तो आप यहाँ बैठे। जी नहीं, मैं यही ठीक हूँ। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ। तो आप यहाँ किसी को नहीं जानते? नहीं, जब से आया हूँ गेस्ट हाउस में ठहरा हूँ। वहाँ दो एक लोगों से पहचान हुई है। तो मेरी भाभी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता? आपकी भाभी के नाम और पते के अलावा मुझे और कुछ पता नहीं। भाभी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बारे में आपको मौसी ने कुछ नहीं कहा? हादसा? पक्का? नहीं तो? 3 साल पहले की बात है। भाभी को तो ऐसा दुख पहुंचा है कि बताना भी मुश्किल है। अभी आपने इस खुली हुई खिड़की के बारे में पूछा था ना? आप सोच रहे होंगे कि सर्दी के मौसम में भी ये खिड़की क्यों खुली है? हाँ, मेरा मतलब इस खिड़की के खुले रहने का संबंध उसी हादसे से है। सोच रही हूँ आपको बताऊं या नहीं, ऐसा ना हो कि भाभी नाराज हो जाए। वो नाराज तो नहीं होंगी, वो तो इस बात में विश्वास ही नहीं रखती। तुम पहले क्यों बुझा रही हो, सीधे सीधे बताओ। बात ही कुछ ऐसी है। आखिर बात है क्या? मेरे भैया 3 बरस पहले उस दरवाजे से शिकार खेलने निकले थे। 3 बरस पहले? भाभी ने उन्हें इसी खिड़की से उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो जंगल तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ। भैया उसी जंगल में शिकार खेलने गए थे।
और आज तक वापस नहीं आए। आज तक वापस नहीं आए? नहीं। क्या हुआ उन्हें? यही तो पता नहीं, किसी को भी नहीं, भाभी को भी नहीं। बड़ी अजीब बात है। पर सच्ची बात है, उनके साथ उनके दो कुत्ते भी थे। कुत्ते? आपको कुत्तों से डर लगता है? जी हाँ, हाँ। वो शिकारी कुत्ते थे, बड़े बड़े खौफनाक। वो कुत्ते भी वापस नहीं आए? नहीं, भाभी खिड़की बंद ही नहीं करने देती, उन्हें सब कुछ उसी दिन की तरह रखना है। किस दिन की तरह? हादसे वाले दिन की तरह। मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, मैं भाभी को और तकलीफ नहीं देना चाहता। आप उनसे बिना मिले जाओगे तो उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा, मेरे भैया को शिकार का शौक था। ठीक 3 साल पहले भाभी ने भैया को इसी खिड़की से उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। कहते हैं उन दिनों यहाँ पर जंगली सुअरों की भरमार थी। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है, उसी के किनारे ये सुअर मंडराते थे। लोग कहते हैं भैया नदी की काफी बीच तक चले गए थे। नदी तो सूखी थी, आसमान में बादल भी नहीं थे, पर अचानक जोर से तूफान की आवाज आने लगी। पहाड़ों पर कहीं बारिश हुई होगी या तो बादल फट गया होगा। पानी की ऊंची दीवार गड़गड़ाती हुई आई और सब कुछ बहाकर ले गई। बहुत ढूंढने पर भी उनका कुछ नामो निशान नहीं मिला, उनका कुछ पता नहीं चला। भाभी इस हादसे से संभल नहीं पाई, उनका दिमाग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा हुआ है। बेचारी भाभी, उन्हें लगता है कि किसी भी वक्त भैया इस खुली खिड़की से दिखाई देंगे, इसीलिए ये खिड़की हमेशा खुली रहती है। बड़ी अनोखी कहानी है। काश ये कहानी होती। क्या आप उन्हें शहर के किसी बड़े साइकेट्रिस्ट के पास ले गए? नहीं, ये एक बार छोड़ी तो भाभी एकदम ठीक है, और जब उनका मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि ऐसा हुआ है, उनसे क्या कहकर डॉक्टर के पास लेके जाए। पर उनके बर्ताव में कुछ, जब भाभी आएंगी तो आप खुद ही देखेंगे उनका बर्ताव एकदम ठीक होगा, आपकी मेहमान नवाजी भी करेंगी। तुम्हें यकीन है मेरे यहाँ होने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी? शायद आपके यहाँ होने से उनका दिल बहल जाए। जैसा तुम ठीक समझो। आप देखना, आपको कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, पर आप गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि भाभी बार बार इस खिड़की की तरफ देखती है। भाभी के लिए जैसे 3 साल नहीं 3 घंटे ही बीते हैं। वो तो अभी तक ऐसी बात करती है कि जैसे भैया जंगल में शिकार खेल रहे हैं और वो किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। भैया ने वही काले रंग का। तुम्हें इन सब से डर नहीं लगता? कभी कभी लगता है, कभी किसी सुनसान शाम में ऐसा महसूस होता है कि भैया यहीं पर है। भाभी आ गई यहाँ बैठी। आपसे मिलने कोई आया है? अच्छा, कौन है? नमस्ते भाभी, मैं अविनाश। हाँ अविनाश, बैठो बैठो। तुम्हारी मौसी का लेटर मिला था मुझे। जी। पर तुम तो पिछले हफ्ते आने वाले थे ना? हाँ वो मैं, पता होता तुम आने वाली हो तो मैं मार्केट जाती ही नहीं।
वैसे वीना ने तुम्हें बोर नहीं होने दिया होगा, पढ़ाई में तो बहुत होशियार है हमारी वीना, और बातों में बड़े बड़ों के कान काटती है। भाभी अब तो खामखा मुझे बदनाम करती है। अविनाश तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं। वीना के भैया अभी आते ही होंगे, वो शिकार खेलने गए हैं। खिड़की के सामने से जो रास्ता दिखाई देता है ना, बस वहीं से आते हैं, इसलिए खिड़की हमेशा खुली रहती है। देखना तो शिकार का और मिट्टी से लड़ाई ज्यादा करके आएंगे और अपने कीचड़ वाले बूटों से इस कारपेट का सत्यानाश कर देंगे। अविनाश आराम से बैठो, ठीक से बैठो, मैं अभी ये सामान अंदर रखकर आई। भाभी की बातें सुनकर लगता है कि उनका वहम है। बिल्कुल नहीं, मेरे दिमाग पर तो कभी कभी अजीब असर होता है, लगता है भाभी बिल्कुल सच बोल रही है। मेरे भैया दूर जंगल से चले आ रहे हैं हाथों में बंदूक लेकर, उनके कुत्ते भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाभी बातें ही कुछ ऐसी करती है ना। बोलो अविनाश, मधुपुर कैसे आना हुआ? यहाँ मैं अपनी सेहत के लिए आया हूँ, डॉक्टर ने सलाह दी कि खुली हवा और शांति हो, ऐसी जगह जाओ। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह आ पहुंचे। वीना के भैया कहते हैं कि मधुपुर जैसी सुंदर और पवित्र जगह ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। क्या तुम शिकार खेलते हो? वीना के भैया के साथ शिकार खेलने जरूर जाना। नहीं नहीं, डॉक्टर ने ऐसा करने से मना किया है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा कैसा डॉक्टर तुम्हारा, भाई जवान हो, इस उम्र में शिकार नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? नहीं नहीं, मुझे लगता है शिकार मेरे बस की बात नहीं, बहुत घबराहट होती है, पसीने छूटने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सर चकराने लगता है। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बुरी हालत है मेरी, इसीलिए तो सब काम छोड़ के यहाँ मधुपुर चला आया। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जी अंधेरा होने लगा ना? हाँ काफी देर हो गई। वाकई में बहुत देर हो गई। वीना देखो तुम्हारे भैया अभी तक नहीं लौटे, कितनी देर हो गई है। अविनाश तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, मतलब हाँ मुझे लगता है मुझे निकलना चाहिए, अंधेरा होने से पहले गेस्ट हाउस पहुंच जाऊं तो बेहतर है। खाना खा के जाना अविनाश। नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे खाने में काफी परहेज बताए हैं। तुम जो कहोगे वही खाना बन जाएगा, वीना के भैया अभी आते ही होंगे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी तुम्हारी। बैठो बैठो आराम से बैठो। वो देखो खिड़की के बाहर कौन दिखाई दे रहा है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ खिड़की के पास आके देखो वीना, तुम्हारे भैया ही होंगे। आज तो लगता है शिकार में खूब मजा आया होगा, आते ही खाने की फरमाइश करेंगे और चाय तो आते ही चाहिए होगी। भाभी क्या आपको वाकई लगता है आपके हस्बैंड आ रहे हैं? हाँ हाँ, आज आते आते बहुत देर कर दी इन्होंने। वीना ने बताया मुझे सब। भाई गॉड, ये तो सच में, ये सच में। अविनाश ये डर तो नहीं लग रहा? ये सच में? हाँ हाँ, ये वीना के भैया ही हैं। शांत हो जाओ, घबराओ मत। तुम्हारा चेहरा देखिए ऐसे लग रहा है जैसे तुमने किसी भूत को देखा हो। डर कर भाग गया होगा, पर उसने तो मुझे ये नहीं बताया।
ये आपके आने से पहले की बात है भाभी। वो मुझे बता रहे थे कि एक बार शिकारी